सेलर हो और आप ही नहीं, सभी जितने भी लोग देख रहे हैं नॉर्मली, वो सभी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, कहीं ना कहीं पे सेलिंग करते हैं, वेंडर है। तो अगर आपसे ये सेम क्वेश्चन किया जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, डेफिनेटली जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप लोग बता सकते हैं। ये बताइए, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ किए हैं? अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यस मैम, मिंत्रा। ठीक है, तो जब बात अमेज़ॉन की करें, इसमें आपको क्या खामियां दिखती हैं जब आप सर्व कर रही होती हैं कुछ खरीदने के लिए? तो आपको कहीं कुछ दिक्कत दिखती है कि हो सकता है कि इसकी वजह से जो छोटे व्यापारी हैं उनको नुकसान हो रहा है? क्या क्या दिक्कतें दिखती हैं? मैम सबसे पहली तो ये कि हम एक बार जो चीज़ सर्च कर लेते हैं बार बार हमें उसी के एड्स देखने पड़ते हैं, ठीक है, और और मैम दूसरा ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनका ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है, तो इससे जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। मैं सिर्फ उस टाइम जब आप सर्व कर रही हैं उस वक्त आपको जो दिक्कतें सामने लग रही हैं कि हाँ इस वजह से छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा होगा, वो बताइए। छोटे व्यापारी भी सपोज करिए अमेज़ॉन पे हैं, आप बताइए क्या दिक्कत है? मैम जो फ्लिपकार्ट्स वगैरह होते हैं उन पे मैम प्राइस कम होते हैं। कि जो है आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आईएएस ऑफिसर के इंटरव्यू में जो है जब एक क्वेश्चन किया गया कि जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्चिंग करते हो या फिर कोई प्रोडक्ट जो है बाय करने के लिए सॉर्ट आउट करते हो, तो आपको क्या लगता है कि जो छोटे वाले शॉपकीपर से वो क्या डिफिकल्टीज फेस करते रहेंगे या फिर उनको क्या कुछ वहाँ पे सिचुएशन जो है फेस करने को पड़ता है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए, बट जो लास्ट वाला पॉइंट बताया था इंटरव्यूअर ने, थोड़ा सा डिस्क्राइब करने वाली हूँ यहाँ पे। देखो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, आई ऑल्सो सेटिस्फाई, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है ये कि मतलब इन्होंने हार्डली 1 मिनट से भी कम टाइम में जो है बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर दिया है। और आपकी क्या राय है, आप भी थोड़ा एक्सप्लेन करके अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारे ही फील्ड का एक क्वेश्चन है। सो और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ मैं मेरे अंदाज से, आपको जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए। देखो मुझे क्या लगता है, यहाँ पे जो MRP है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को ऑफलाइन लेवल पे लेने को जाते हैं तो शॉपकीपर जो है हमें उसे सेल करता है MRP में। जस्ट लाइक हो गया ये निविया का क्रीम, अगर मैं ऑफलाइन लेवल पे लेने को जाती हूँ तो शॉपकीपर जो है मुझे इसका जो भी MRP रहेगा उस पे मुझे ये सेल करता है, मतलब वो ज्यादा कमीशन वहां पे अर्न कर सकता है, जबकि उसे कम प्राइस में मिला है, 10 रुपये में मिलने दो, 12 रुपये में मिलने दो, बट वो सेल करता है MRP पे ही। वैसे ऑनलाइन लेवल पे नहीं होता है, ऑनलाइन में जो है सबसे कम प्राइजिंग पे और सबसे ज्यादा जो है सेलिंग पे फोकस किया जाता है। तो अगर ये 55 रुपीज इसका MRP है तो ये मुझे हो सकता है ऑनलाइन में 50 रुपीज में मिल जाए, क्योंकि डायरेक्ट जो है वहां पे कंपनीज वगैरह सेल करती है, डायरेक्ट होलसेलर सेल करते, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर सेल करते। तो सेम जो है ये दिक्कत सबसे ज्यादा जो है फेस करनी पड़ती होगी जो ऑफलाइन शॉपकीपर होते हैं उनको। उसके बाद में जो है काफी सारे जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि साड़ीज का अगर कोई शॉपकीपर है तो उसे क्या है, अगर उसकी शॉप पे कोई दुकान कोई आ जाता है लेने को साड़ी वगैरह, कोई कस्टमर आता है, तो उसे जो है 10 बॉक्स 20 बॉक्स जो है दिखा के कस्टमर को दिखाना पड़ेगा, ये साड़ी अच्छा है वो ले लो, ये अच्छा है वो डिजाइन अच्छा है, ये नया वाला आया है। बट ऑनलाइन लेवल पे वैसे नहीं होता है, ऑलरेडी सभी फोटोग्राफ डिस्प्ले होते हैं, रियल रिव्यू एंड रेटिंग होती है, तो कस्टमर जो है वही लेना पसंद करता है जो कि उसे डायरेक्टली घर बैठे मिल जाएगा। और अगर उसे वो पसंद नहीं आता है तो वो 7 डेज की पॉलिसी के साथ में उसे रिटर्न कर सकता है, रिप्लेस भी कर सकता है, जो कि उसे ऑफलाइन लेवल पे नहीं मिलेगा। अगर उसने एक बार सामान परचेस कर लिया तो शॉपकीपर जो उसे फिर से रिटर्न नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी पॉलिसीज है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो कि काफी ज्यादा मतलब दिक्कत देती है जो ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करते हैं वो शॉपकीपर के लिए। तो इसमें आपको और क्या पॉइंट ऐड करना है या फिर आपकी क्या राय है, अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन किया जाता है तो आप उसका 1 मिनट के अंदर या फिर जैसे कि मैंने लिया है 3 मिनट, इस 3 मिनट में आप क्या कुछ आंसर देना चाहते हो, आप एक एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।